अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? खुश रहें, मज़े में रहें। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा बाहर गई थी काम से, तो मेरे को दुकान दिखी तो मैं बच्ची के लिए मैं ले रही हूँ सर का लगाने का। तो मैं सोची बकरीद में लगाऊंगी, मगर वो देख करके इतना रो रही है कि अभी मेरी छोटी डाल करके मुझे लगा दीजिए। तो हर चीज़ के लिए ज़िद करने लग जाती है। तो ये डायपर के लिए पाउडर ख़त्म हो गया था, तो पाउडर ले ली हूँ दो डब्बा। तो यही मतलब यहाँ सुपर मार्केट नहीं, चालू मार्केट से ही ले ली हूँ मैं, जैसा कि बताइए ना, कुछ काम से बाहर गई थी तो आते आते ले कर के आ गई। ये क्लिप तो इतनी अच्छी लगी मेरे को, मैं लगाऊंगी बकरीद में, मगर अभी जिद कर रही अभी लगा दो बोल करके। 20 रुपये की लाई थी तो लगा देती हूँ। ये हेयर ऑयल है तो ले ली मैं एक, ज़्यादा महंगा नहीं था, सस्ता ही था तो ले ली मैं, 50 रुपये में मिल गया सर। ये नीम का फेस वॉश है, तो इसके पहले तो अनीस मेरे को एलोवेरा वाला ला के दिए, तो वो तो मैं इस्तेमाल करी कई दिन से, अभी ये नीम का एक मैं ले ली। देखते इसको भी लगा के नीम का, क्योंकि अभी ज़रा दवा वा खा रहे ना तो साइड इफेक्ट कर देते ही दवा, तो सब चेहरा भी ख़राब हो रहा है, हाथ होते ना मेरे को ऐसे इचिंग हो रही है, कौन सी दवा मेरे को रिएक्शन कर दी कि मेरे चेहरे पे भी ना एकदम जैसे ब्लैक हो जा रहा है ना, तो इतना कुछ नहीं था चेहरा, अभी दवा की वजह से ऐसा हो रहा है। अभी दवा बंद करना है मुझे, अब सब आयुर्वेदिक दवा चालू रखना है, क्योंकि अंग्रेजी दवा ना नुकसान भी करती है। तो अभी मेरे को अनिश बोल रही कि आयुर्वेदिक का जो डॉक्टर है उसको बता करके ना इलाज करेंगे, जैसे जो भी है। तो यहाँ पर तानिया मेरे साथ लगी है, रखो इसको कबाट में रख देते हैं, अब बकरा ईद में सब निकालेंगे। तो बोलती है नहीं अभी लगाओ सब, मेरे को पाउडर खोलो और सब अभी लगाओ। तो ये सब यहाँ मिलता है मार्केट में, तो मैं ले करके आ जाती हूँ। डायपर वपर का पाउडर सस्ता ही लाती हूँ, कोई महंगा नहीं लाती हूँ। तो देखिए कबाट में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, दोनों ड्रॉप भरा है, कपड़े से पूरा भरा है, कपड़े ही गिर रहे, तो कुछ भी डालने के लिए सोचना पड़ रहा है। तो फिलहाल मैं यहीं रख देती हूँ। यहाँ की कांच भी बच्चे लोग तोड़ दिए हैं, कांच लगवाना है यहाँ पर, वैसे एक टुकड़ा रखा था लकड़ी का तो वो लगा दिए है इसके अपने, क्योंकि ये सब सामान रखने के लिए बहुत सहूलियत हो जाता है। और थोड़ा भी काम वाम कराना है, कुछ कबाट वगैरह बनाना है घर में, क्योंकि सामान रखने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। या तो कबाट ला लूँगी मैं एक डबल इसका, या तो फिर कबाट मैं कारपेंटर से घर में ही बनवाऊँगी सामान के लिए, क्योंकि छोटा मोटा सामान के लिए बहुत ज़्यादा ही मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है, और किचन के सामान के लिए भी प्रॉब्लम आ रही है। तो देखेंगे अभी कुछ काम कराएंगे थोड़ा बहुत। सो बस गाइस, यही वीडियो थी आज की, और रेसिपी वगैरह तो नहीं डाली हूँ, कल परसों डालूँगी इंशाल्लाह।